हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई लाइट कोचिंग। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि स्काई लाइट कोचिंग और सामी डिस्ट्रिक्ट में एक मात्र ऐसी कोचिंग जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में चल रही है। सीबीएसई बोर्ड्स के जितने भी एग्जाम हैं वो खत्म हो चुके हैं, चाहे टेंथ के हों चाहे ट्वेल्थ के। तो अब जो टेंथ के बच्चे हैं उनके लिए आगे क्या करना है, साइंस स्ट्रीम लेना है, कॉमर्स लेना है या बायो लेना है, कैसे उनको आगे प्रिपरेशन आगे शुरू करनी है, उसमें स्काई लाइट कोचिंग आपको एक छोटा सा सहयोग करना चाहती है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 7-8 महीनों में काफ़ी सारे बच्चों की हेल्प की, ऑनलाइन के माध्यम से भी और ऑफलाइन के माध्यम से भी। ऑफलाइन माध्यम में तो कुछ फीस हमारी तरफ से बच्चों ने कुछ फीस हमको दी, कुछ फीस यहाँ रखी गई एक मिनिमम कॉस्ट, जो कि बाकी जो यहाँ संस्था है कौशाम्बी में होंगे इससे बाहर किसी के पास इतने रेजनेबल प्राइस में सारे सब्जेक्ट की कोचिंग अवेलेबिलिटी नहीं थी। हम लोगों ने उसको कॉस्टिंग कम की और यहाँ पे नया प्लेटफॉर्म स्काई लाइट के नाम से स्टार्टअप किया। अब ये दूसरा एकेडमिक ईयर 2023-24 स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, और ऑनलाइन के माध्यम से हमने क्रैश कोर्स करवाया, फ्री ऑफ कॉस्ट था उसको, उसके वीडियो भी आप लोगों ने देखे होंगे, स्टाफ जो है उसको भी आपने देखा होगा, स्टाफ से आप परिचित भी होंगे। तो इस साल हमने फिर कुछ नया सोचा और कुछ नए बच्चों को जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि जैसे जैसे कोचिंग ग्रो करेगी या कोई भी शैक्षणिक संस्था ग्रो करती है, आगे बढ़ती है, तो उसमें लोगों का आवागमन ज़्यादा होता है। तो उस चीज को देखते हुए इस साल हमने नया बैच फिर से स्टार्ट किया है, जो कि 20 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, जिसके रजिस्ट्रेशन और स्टार्ट है ऑलरेडी, डेमो क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है। सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में दोनों में हम जो कोर्स है वो अवेलेबल करवा रहे हैं। अब 3 से 6 टाइमिंग है कोचिंग में ऑफलाइन, जो कि जिसके पत्रकार के पास है यहाँ आके आप तैयारी को और बूस्टअप कर सकते हो। हाँ, ये तो रही बात जो टेंथ के बच्चे हैं उनके लिए, लेकिन जो ट्वेल्थ में है उनके लिए क्या किया जा सकता है। तो उनके लिए एक छोटा सा आप कैरियर काउंसलिंग करके एक सेशन होगा, जो मैं लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा कि जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से या आपका इंटरेस्ट जो है उसके हिसाब से आपको कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए। तो ये छोटा सा सेशन होगा लगभग 30 मिनट का, जो कि मैं हो सकता है जून में या मई में आपको प्रोवाइड कराऊं, क्योंकि जब तक आपके रिजल्ट नहीं आ जाते सीबीएसई बोर्ड के, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 20-25 मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ सकते हैं, तो उसके बाद ही ये सेशन जो है वो आपको अच्छा लगेगा और ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। बाकी रही बात जो टेंथ के बच्चे हैं वो आ सकते हैं और यहाँ कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं, अपनी तैयारी को बूस्टर थोड़ा सा कर सकते हैं आप, क्योंकि आप उस चीज का इंतजार करते हैं कि टेंथ बोर्ड का रिजल्ट आएगा, फिर हमें 11th में चूज करेंगे कि कॉमर्स लेना है कि बायो लेना है कि मैथ लेना है, ठीक है। क्योंकि 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है वो एक अलग सीन होता है, वहाँ पे आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है, आपको बीए करना है या किस में किस चीज़ की आपको तैयारी करनी है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा उसमें टाइम चाहिए। लेकिन टेंथ में तो आपको पेपर देने के बाद खुद ही आइडिया हो जाता है कि आपके किस सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। मैथ स्ट्रीम कितनी भी है, चाहे वो साइंस में मैथ और बायो या फिर कॉमर्स हो या आपका ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हो, ये मैं सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। यूपी बोर्ड में बच्चों के लिए भी यूपी बोर्ड में भी सेम प्रोसेस, मैथ और बायो साथ में आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज मतलब जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं उनको भी लेके आप इंटरमीडिएट कर सकते हो और सब में बढ़िया रह सकते हो। कोई भी स्ट्रीम जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, और कोई भी स्ट्रीम ऐसा नहीं है बहुत बेकार है कि आर्ट्स के स्टूडेंट तो कुछ नहीं कर सकते या साइंस वाले बहुत तेज होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है किसकी हार्ड वर्क करने की, तो फिर आप सक्सेस हो सकते हो।
इसके लिए बस आपको करना क्या है कि जो 12th वाले हैं उनको उस समय जितना उन्होंने दिया जिसका पेपर जितने मार्क्स आ रहे हैं कि कैसे तैयारी रही 2 साल के प्रिपरेशन में, तो वो अपना 1 महीने 1.5 महीने अभी आराम से रिलैक्स कर सकते हो और सोच सकते हो किस फील्ड में आपको जाना है। साथ में मेरा एक हेल्पफुल सेशन होगा करियर काउंसलिंग के लिए, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा जो भी मेरे पास आइडियाज हैं कि आपके इसमें इंटरेस्ट है, आपको साइंस में इंटरेस्ट है या आपने कॉमर्स नहीं आपने बायोलॉजी है तो आप कहाँ जा सकते हो, किस चीज़ की तैयारी कर सकते हो। बाकी रही गल वालों के बाद 9th और 11th इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये तो जरूर स्टार्ट करना 1 अप्रैल से ही, क्योंकि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे कंपटीशन का लेवल ऐसा है कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे लेवल मतलब 9th वाले का 9th कोर्स खत्म करते हैं फिर 10th स्टार्ट कर सकते हैं पता जल्दी 11th वाले 11th खत्म स्टार्ट करते हैं टोटल 11 खत्म करके 12 पढ़ सकते हैं। तो ये और इन सब के लिए आपको जैसा कि मैंने बताया कि कोचिंग जो है हमारी उसने स्टार्ट कर रखा है बैच, तो आप बैच में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, बस कोचिंग में आना है और डेमो लेने हैं। डेमो सारे सब्जेक्ट के अवेलेबल है, देखिए यूपी बोर्ड हो चाहे कॉमर्स की क्लासेस हो, नवोदय विद्यालय की अगर आपको तैयारी करनी है, फिफ्थ सिक्स सेवन अगर आपके छोटे भाई बहन है तो उनको भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बाकी सिक्स से लेकर 12 तक 6, 7, 8, 9, 10 इन सब की क्लासेस जो है प्रॉपर चलती हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड से पढ़ रहा हो या सीबीएसई बोर्ड से किसी बोर्ड का बच्चा हो। फीस जो मैंने इसमें मेंशन कर रखी है सीबीएसई बोर्ड की 1000 है, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, 4 सब्जेक्ट में मैथ साइंस सोशल और आईटी या कंप्यूटर एप्लीकेशन। 11th 12th सीबीएसई में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या मैथ्स, साथ में कॉमर्स की भी क्लास है, कॉमर्स में भी आपको कुछ ना कुछ इसमें शायद 2 सब्जेक्ट अभी जो हमारे साथ हैं 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, उसकी फीस यही जो 11th 12th की फीस है सीबीएसई बोर्ड की वही रहेगी 1200। यूपी बोर्ड में 9th और 10th की फीस 500 रुपए, जिसमें मैथ साइंस इंग्लिश और सोशल 4 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। 11th और 12th की फीस 1000, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स बायोलॉजी और मैथ्स या फिर सॉरी उसके साथ साथ इंग्लिश भी आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ इस साल जैसे बाकी कोचिंगों में जो भी कोचिंग यहाँ चल रही है या जिन्होंने अपना स्टार्टअप किया है जो पहले से पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, जिसको जहाँ भी समझ में आए वो वहाँ से पढ़ सकता है। मेरा काम है कि हम अपनी कोचिंग के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूँ कि कोचिंग में हर सब्जेक्ट की फैकल्टी अलग अलग है, चाहे वो मैथ्स की हो साइंस की हो। एक वीडियो मेरा पहले भी आ चुका है जिसमें आपको मैंने सब कुछ सारी ब्रीफिंग दी है, एसएसटी का हो इंग्लिश का हो फिजिक्स का हो केमिस्ट्री का हो बायोलॉजी ठीक या फिर कॉमर्स, इन सब की फैकल्टी जो है वो अलग अलग है सब ठीक। और फीस जो है वो एकदम नॉमिनल है, जैसे कि मैंने आपको बताया फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि फीस जो है वो एकदम नॉमिनल रखी गई है, इसीलिए कि हर बच्चा कोचिंग में आ सके और अपनी तैयारी को अपने बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके, या क्योंकि देखो जब भी आपको प्रिपरेशन करनी होगी आगे भी, तो अब कॉम्पिटिशन का लेवल ऐसा है कि आपको धीरे 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 चीजें थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी जानकारी अभी से लेना शुरू करना होगा, जिससे आगे चल के आपको चीजों में थोड़ी सी आसानी हो, समझ रहे। अगर आप अभी से तैयारी नहीं शुरू करोगे तो उस केस में आप पीछे रह जाओगे, इसलिए आपको अपनी तैयारी जो है बूस्टअप करनी है, हमारे साथ जुड़े रहना है। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, मैंने ब्रीफिंग छोटी सी ब्रीफिंग दी आपको, आशा करता हूँ ये ब्रीफिंग आपको ठीक ठाक लगी होगी। तो चैनल पे ये वीडियो अपलोड हो रहा है, इसको जितना हो सके उतना आप शेयर करिए और जो भी जरूरतमंद हैं लोग हैं उन तक पहुँचाइए, और जिनके पास वीडियो ये पहुँच रहा है वो कोशिश करें कि आप हमारी कोचिंग में आके एक डेमोन्स्ट्रेशन ले सकते हो, हर एक सब्जेक्ट का आ सकते हो और फिर आपको 3 से 4 दिन आपको
डेमो आराम से लिखो। डेमो लेने के बाद अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, आपको लगता है कि आप टीचर जो पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप एडमिशन करवा सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट और बेस्ट विशेस। जो ट्वेल्थ का एग्जाम जिन्होंने दिया, टेंथ का एग्जाम जिन्होंने दिया, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके अग्रिम भविष्य के लिए। आशा करता हूँ कि